देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। कि आखिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, क्या उसका असर आने वाले दिल्ली चुनाव पर होगा? हमारी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र कोई हंगामा नहीं हुआ तक है, इनको चाहते क्या है ये? नुकसान किसका हुआ? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये जो मसला है ये जेएनयू का मसला नहीं है। आग अगर लग रही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी एक्शन में है, सरकार पूरी एक्शन में है। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में कुछ लेफ्ट विंग के नेताओं, वहाँ की अध्यक्ष आयशी घोष को मारा पीटा गया था। पेरियार हॉस्टल में एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट्स को मारा गया, जिसमें उनको काफ़ी चोटें आई। लेकिन हम इन सब के बीच अपनी जनता के बीच आए हैं उनसे ये जानने के लिए कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट पूरी राजधानी दिल्ली में जो चल रहा है, क्या इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स हो रहा है, देश की राजनीति का हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो प्रोटेस्ट, इतना स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो उपद्रव में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये सब हो रहा है, इनकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, आम जनता का भी हो रहा है और जेएनयू में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। वहां जो दंगा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज तो सामने आ गया, लेफ्ट वाले सब पकड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया, सारे लेफ्ट वाले वहां दंगा किए हैं, तो उनको समझना चाहिए। उनको रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? नहीं, सरकार एक्शन में है और मैं तो कहूंगा अभी जो पकड़े गए हैं एक्शन में है। और कन्हैया कुमार का 3 साल का केस केजरीवाल ने रोक के रखा है, जो देशद्रोह का केस है कन्हैया कुमार के ऊपर। केजरीवाल क्यों हैंडओवर नहीं कर रहा है गृह मंत्रालय को? चार्जशीट क्यों नहीं ले आ रहा है? वहां दंगा ही हो रहा है। कन्हैया कुमार ने आज तक चैनल पे खुद सामने बोला था कि मेरे ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं मेरे को कर रहे, जब केंद्र की सरकार है, आप पे इतनी पावर है, उसके बावजूद भी मैं खुला घूम रहा हूँ, आप मेरे को क्यों नहीं कर रहे? जो आदमी आपको बार बार चैलेंज कर रहा है उसका चैलेंज कोई ले ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं लेफ्ट भी कांग्रेस भी बचा रहा है और यदि दिल्ली में भी आग लगा रहा है, आग कौन लगा रहा है जानना होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसमें घी डालने का काम कर रहा है। आग अगर लग रही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी एक्शन में है, सरकार पूरी एक्शन में है, इनको चुन चुन के बदला लिया जाएगा। छात्रों को जो है ना पढ़ाई करनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये है, आपको ध्यान होगा, आप दिल्ली से ही हैं और आज तक चैनल से ही हैं, यहाँ पर जिस दिन राहुल गांधी ने रैली की थी उसके 24 घंटे बाद जेएनयू के अंदर दंगा चालू हुआ था और बसों में आग लगाई गई थी। सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने। प्रियंका का भी आज भी स्टेटमेंट आया है, प्रियंका नकली गांधी है, मैं तो इसको गांधी परिवार से मानता नहीं हूँ। अगर चाहिए आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे, हाँ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ये जो कर रहे हैं इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और कांग्रेस के भड़काने से हुआ है। अब कांग्रेस शांत बैठी हुई है। आज जो लेफ्ट सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नाकाम? सब देख, ऐसा है भाई साहब, सरकार जो करती है कानून के हिसाब से बात करती है, कानून के पहले उनकी छानबीन हो रही है और सबको पकड़ा जाएगा, सीबीआई से उनकी इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो आज 4 नाम आए हैं, दिल्ली पुलिस ने, डीसीपी ने आज घोषणा की है उन 4 नामों की, वो सारे के सारे लेफ्ट के हैं। लेफ्ट वाले आप कल से देखना दिल्ली के अंदर क्या करते हैं। लगता है स्टूडेंट का एक फायदा उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनाव को गेन करने के लिए फायदा उठा रही है ऐसी चीजों का। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ। आपको पता होगा कि हमने भी लास्ट मंथ अक्टूबर के मंथ में हमने भी पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया था और ये देश के इतिहास में पहली बार होगा 5 लाख प्लस स्टूडेंट ने इकट्ठा ऑल रीजनल सेंटर्स, इंडिया में जितने भी रीजनल 22 सेंटर्स है, सारे में हमने किया और यही दिल्ली हेडक्वार्टर के ठीक सामने आईसीए भवन है, वहाँ पर हमने 6 दिन आंदोलन किया था। यही दिल्ली पुलिस है जो हमें पानी पिलाती थी, इनको लाठी चार्ज क्यों कर रही? फ़र्क इतना है कि हमने किसी भी तरीके का दंगाएं, किसी भी तरीके का आगजनी कुछ होने नहीं दिया। इन्होंने दंगा भी किया, इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी भी जलाया, चल रहे हैं पत्थर चल रहे हैं, इनसे नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो मसला है ये जेएनयू का मसला नहीं है। मसला ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सुलझाया और राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया, बहुत मुद्दे सुलझा दिए, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं कोई मौका मिला ही नहीं कि भाई ये 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इतने काम कर दिए कि विपक्ष अब क्या करे। लेकिन उन्होंने उसकी उनकी आड़ में जो जा करके उसमें थोड़ा सा भ्रम फैलाया और आज वो
स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन वो उसमें क्या होता है, अहित उन लोगों का होता जो पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। आपको लगता है इन सब चीज़ों का असर दिल्ली चुनाव पर होगा? बिल्कुल दिल्ली चुनाव पर होगा। यहाँ पर तो अब देखो जो भी चीज़ है, दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ पर यदि जैसे लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे यहाँ पे आएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ जो ये राजधानी है, यहाँ पे राष्ट्र के मुद्दे आएंगे। जिस तरीके से, क्योंकि राजधानी का सिस्टम एक ऐसा है कि उसका सीधा संबंध अब जो है केंद्र से है, और जितने काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ने किए हैं, सिर्फ एक राष्ट्रभक्ति की बात होगी। यदि दिल्ली में कोई देगा वोट तो राष्ट्रभक्ति के ऊपर देगा। अगर राष्ट्रभक्ति पे देगा तो राष्ट्रभक्ति फिर ये भी होना चाहिए, विजय माल्या इतना लेके भाग गए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये भी तो भी देशद्रोही हुए ना, इनको भी राष्ट्र उसमें आना चाहिए। नहीं तो विजय मोदी को, नीरव मोदी को और विजय माल्या को दिया कौन था? कौन था ये तो बता दो। जब खाता खोला था तो क्या उस टाइम 2014 से पहले का था कि बाद का था? जब लोन लिया था बैंक से तो वो कब लिया था वो? भैया दिन भर हिंदू मुस्लिम करो, अब यही अगर काम बच गया जनता को तो यही करे। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि रोड बने, बिजली पानी मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सब कुछ राष्ट्र धर्म ही है तो दिन भर राम नाम जपो, अगर खाना मिले। क्या ये जो प्रोटेस्ट, ये उपद्रव जो चल रहा है अभी, क्या उसका असर दिल्ली चुनाव पर होने वाला है? भैया कुछ नहीं होने वाला, और ये जो करवा रहे हैं ना वो जानता है, सब जानता है कि कौन करवा रहा है और किस लिए करवा रहा है दिल्ली चुनाव। आप बताइए, छात्रों के बीच में इतना जो उपद्रव चल रहा है, कभी लेफ्ट विंग का स्टूडेंट मारा जाता है, कभी एबीवीपी का स्टूडेंट मारा जाता है, इन सब का असर क्या हो रहा है, क्या इससे दिल्ली चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं देखिए, इससे दिल्ली चुनाव पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो जनता जहाँ लड़ रही है वो वहाँ लड़ रही है। लेकिन ये जो चीज़ मैटर चल रही है, सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, कोई सरकार का प्रतिनिधि जाए, जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं कोई तो एटलीस्ट कोई कमेटी बने, इसका कोई सोल्यूशन हो। जिसे आप हंगामा कर रहे हैं ना जेएनयू वाले, इनको जॉब कौन देगा? आगे देगा कोई जॉब? कोई कंपनी जॉब नहीं देगी इनको यार, इनको क्या ड्रामा, कितनी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में क्यों हंगामा चलता है? हमारी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र, कोई हंगामा नहीं हुआ आज तक है। इनको चाहते क्या है ये? मैं सही बताऊँ, मैंने जाट 10% एक्सीडेंट दे दियो, नए कभी नारे लगाए तो हमारे को बोल दियो।